रेवेन्यूज स्टेट भोपाल। और मध्य प्रदेश में ठंड का जो स्थितम है वो देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया, तो वहीं राजधानी भोपाल में भी आपको हम जानकारी दे रहे थी क्या स्थिति थी। लेकिन इन सबके बीच देखिए राजनीतिक गलियारों में भी अगर हम देखें तो पारा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोहन यादव मंत्रिमंडल के कुछ नाम लगभग तय बताए जा रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल के कुछ नाम लगभग तय हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। मोहन यादव की आलाकमान से मुलाकात के बाद कई नामों पर मुहर लग चुकी है। इसमें रमेश मेंदोला मंत्री बनाए जा सकते हैं, मालिनी गौड़ का नाम सामने आ रहा है, हरिशंकर खटीक का नाम सामने आ रहा है, प्रदीप लारिया भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं रीति पाठक का भी नाम जोरों पर है जो कि मंत्री बनाई जा सकती है। वहीं तुलसी सिलावट भी मंत्री बन सकते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर और एंजल सिंह कासना भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय को भी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बता दें कि राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल के नाम पर भी इस वक्त मंथन जारी है। तो ये बड़ी खबर, और कैबिनेट विस्तार को लेकर के लगातार अटकलें लग रही थी और ये बताया भी जा रहा था कि दिल्ली में आला कमान से मुलाकात के वक्त नाम तय हो जाएंगे। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 से 18 नाम लगभग तय किए जाएंगे। इस बार जो मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायक होंगे उनकी संख्या 15 से 18 रखी जाएगी। बाद में जरूरत के हिसाब से मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये बड़ी जानकारी दिल्ली से निकल करके सामने आ रही है। और गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, इन नामों की चर्चा तो पहले से भी चल रही थी, लेकिन अब दिल्ली में इन नामों पर मोहर लगने की जो जानकारी मिल रही है वो कितनी पुख्ता, और मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण को लेकर के क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, जो संभावित नाम शुरू से सामने आ रहे थे उसमें से कुछ नाम ऐसे खबरें हैं सूत्रों के हवाले से कि इन नामों पर मोहर लगी, जिसमें सबसे प्रबल नाम रीति पाठक का सामने आ रहा है, तो वहीं कृष्णा गौर का सामने आ रहा है। रीति पाठक जहां सीधी से विधानसभा का चुनाव लड़ी और विधायक बनी, पहले सांसद थी, तो वहीं कृष्णा गौर भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा सीट से विधायक रही है। और इनका जो नाम है लगभग तय हो चुका है मंत्रिमंडल के लिए सूत्रों के हवाले से खबर है। तो इसके अलावा और भी बड़े संभावित नाम है जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इस बार मोहन कैबिनेट में ये बन सकते हैं, जिसमें मालिनी गौड़ का नाम सामने आ रहा है। मालिनी गौड़ जो इंदौर से विधायक हैं, और इनका भी नाम लगभग तय माना जा रहा है कि ये भी कैबिनेट में मंत्री बन सकती है। इसके अलावा प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर संभाग से ये विधायक आते हैं और सिंधिया गुट के माने जाते हैं, और इनका नाम भी वहीं से गया था। इसके अलावा हम देखें तो प्रदीप लारिया और एंजल सिंह कसाना का नाम भी जोर शोर से चल रहा है कि ये भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण नामों को लेकर चर्चा लगातार की जा रही थी, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम था, कैलाश विजयवर्गीय को ये जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें हो सकता है कैबिनेट में शामिल न किया जाए, लेकिन मध्यप्रदेश के संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल को लेकर अभी ठीक है, कुछ भी ठीक है। आप नजर बना रखिएगा आगे भी।